चलो आगे बंद करो अपनी। आई लव यू। क्या बोल रही है पायल, है अपनी औकात भूल गए क्या तुम लोग? जूते में क्या लग रहा है? ये क्या कर रहे हो आप? 17,000 रुपए का एडिडास का जूता, ये अगर तेरे सर पे लग। इंसानियत वो होती है कि किसी गरीब का मजाक ना उड़ाओ। भैया मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना मैं किसी से भी नहीं करूंगी। मैं तुझे कितनी बार समझाया, वो जैसे शादी नहीं करेगा, वो कहा अमीर, कहा हम गरीब, कहा हम रूखा सूखा खाते हैं। आप उससे बात करो, मैं उसी से शादी करूंगी। मैं मुझे क्या नहीं बात करूँ, हम जाते तो उसके घर में नौकरी करते हैं, उसके बर्तन मांजते हैं। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता। पैसा ही मैटर करता है, इंसान की फीलिंग्स मैटर करती है। मुझे नहीं पता, कोई फीलिंग नहीं दिखती जब पैसा बंदे के आगे दिखता है ना, कोई फीलिंग नहीं दिखती पैसे की। मुझे नहीं पता, आप उससे बात करो, वो करेगा, वो मुझसे प्यार करता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में, उसकी बातों से पता चलता है। इतने टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है, मुझे पता है वो नहीं करेगा तेरे से प्यार, मुझे पता है। आप मुझे लोग आपस में लड़ रहे हो, पूरी बात बताओ कि क्या बात है, कैमरा स्टार्ट करवाना है, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो, क्या बात है? आपने मेरे को इतने दिन से मैसेज कर रहे हो कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है, बताना है, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आप आपस में बहसबाजी कर रहे हो, कोई बात बताओगे मुझे आप? जब कैमरा स्टार्ट होगा मैं तभी बोलूंगी, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो कैमरा तो स्टार्ट करवा दिया हमने, आप फिर भी आपस में लड़ते जा रहे हो, कैमरा स्टार्ट ही, आप पूरी बात बताओ क्या बात हुई है? मेरा एक भाई का एक फ्रेंड है, मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा। अब मुझे शादी करनी है तो सिर्फ उसी से करनी, वरना मैं किसी से भी नहीं करूंगी। कितने टाइम से जानते हो आप उसको? हम बचपन के फ्रेंड्स थे। अच्छा, तो कभी उसके साथ कितने टाइम से, मतलब यही रहता है, मिलते रहते हो उसके साथ? नहीं, वो स्टडी करने के लिए बाहर चला गया था। अच्छा। उसके बाद फिर उसकी जॉब वगैरह लगी, काफी अच्छी पोस्ट पे आ गया। अच्छा। तो मैंने सोचा है कि ये सही टाइम है उसको प्रपोज करने का, उसे मतलब ये कमिट लेने का कि हाँ मैं तेरे से शादी करूंगा। ये वो, तो ये आपका भाई है, सगा भाई है आपका? जी। और वो इसका दोस्त है? हाँ। मतलब कॉमन फ्रेंड हो गया आपके घर पे आना जाना। हाँ। कितने टाइम पहले की बात है ये सारी? बहुत साल हो गए। अच्छा, मतलब प्यार पहले से था या फिर जब उसकी जॉब अच्छी पोस्ट वगैरह हो गई तब से प्यार हुआ है? मैं बचपन से उससे प्यार करती हूँ, छोटे से, तो उसे बहुत लाइक करती थी। उससे अभी बात होती है आपकी? कभी कभार होती है। तो किस टाइप की बात होती है उसके साथ, मतलब नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स की तरह? नहीं, तो जैसे आप कह रहे हो कि मैं शादी करूंगी उसके साथ, देखो नॉर्मल दोस्ती तो हमारी सबों के साथ होती है, ठीक है? अगर हम किसी के साथ शादी करेंगे तो उसके लिए हमें एक दो कदम अपने बढ़ाने पड़ते हैं, अपनी फीलिंग्स जतानी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, तो सामने वाला बंदा भी आपको बताएगा कि हाँ प्यार है नहीं है। तो ऐसा कभी उसके साथ आपने बात करी है? नहीं, वो उसकी बातों से पता चलता है कि वो मुझसे प्यार करता है, जिस तरीके से वो मुझसे बात करता है, मुझे मेरी केयर करता है, टाइम तो देता है आ मुझे। चुका है अभी? जी बिल्कुल। तो उसके बाद भी आपकी उसके साथ बात हुई है, कोई मिलना जुलना हुआ है? मिलना नहीं हुआ है, बट हाँ तो बात वो घर पे नहीं आता जैसे पहले वो घर पे आता था आपके? नहीं आता वो। अब ना आने का रीजन? ना आने का रीजन वही है, तो उसकी जॉब लग चुकी है, उसका पैसा आ चुका है। अच्छा। मैं दोस्त है बचपन का, तो मुझे नहीं लगता कि उससे शादी करेगा। अच्छा। मैंने उससे ट्राई भी किया, मैं सबसे डरता हूँ मैं उससे कि उसके क्या रिएक्शन रहेंगे। हाँ। कि शादी करेगा नहीं। भैया बेफिजूल का इतना टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं, उसके पीछे पड़ गई है, उसको कहा वो कहा हम नहीं। तेरे को ये लगता है कि जो तेरा दोस्त है वो अमीर हो चुका है तो वो इसके साथ शादी नहीं करेगा? तो इससे क्यों कह रहा है कि अगर वो शादी करेगा तो उसको नौकरानी बना के रखेगा, मतलब क्या ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं डरता हूँ इसके लिए। अच्छा। बाद में कभी इसको नौकरानी बना के रखे। हाँ। दिक्कत रखे। हाँ। ज्यादातर पैसे वाले यही करते हैं जब। हाँ। नहीं तो है तो बचपन का दोस्त ना, तो ऐसे कभी ना करेगा वो। बचपन का दोस्त है लेकिन पैसे के आगे तो सब कुछ दिखता है ना। तो भैया पैसा मैटर नहीं करता। अगर वो आपके साथ भी प्यार करता हो, फिर अगर वो लड़का तेरी बहन के साथ भी प्यार करता हो, फिर वो तो मुझे पता नहीं, वो प्यार झूठा मूठा प्यार करता है मेरे से। अच्छा। शादी नहीं करेगा? शादी नहीं करेगा। तो इसका क्या होगा, ये कह रही शादी करूंगी तो उसी के साथ, नहीं तो नहीं करूंगी। ये पागल हो चुकी है उसके चक्कर में। मैं इसको समझाता भी हूँ कोई और ढूंढ ले हमारी हैसियत के बराबर का, ये अपनी हैसियत से ऊपर कोई मत ढूंढ। अच्छा। इसको मैं कितनी बार समझाया, ये नहीं मानती। कोई नहीं। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होपो के सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। और भाई आज की कोई ना वीडियो हेल्पिंग नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है। ये जो भाई है ना, इनकी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है? और इनका एक दोस्त था जो कि मतलब जब इनकी 12th वगैरह पास हो गई तो वो बाहर चला गया और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करी, वहाँ पे जॉब लग गई, तो एकदम सेटल हो चुका है वो। और इसका कहना ये है कि भाई हम दिन कमाते रात खाते, ऐसे करके मैंने अपनी बहन को यहाँ तक पहुँचाया है। तो अगर अब जो वो उसका फ्रेंड है वहाँ से आ चुका है वापस,
इसको लगता है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है, वो मेरी बहन के साथ शादी नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ उसके पास पैसा है और इनके पास पैसा नहीं है। अगर शादी करता भी है तो इसको नौकरानी बना के अपने घर पे रखेगा। अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब ये प्यार करती है तो ये खुद कह रही है कि आज तक मैंने उसको ये चीज़ें बताई नहीं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ कभी उसके साथ आपकी ये बात हुई है? नहीं नहीं हुई। तब भी आपको लगता है कि वो आपके साथ शादी करेगा? हाँ करेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैंने देखा है उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार। अच्छा, तो उसने नहीं, लड़कों में एक चीज होती है जब वो किसी के साथ प्यार करते हैं ना तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक ना एक दिन खुद बताते हैं। बताना तो छोड़ो, वो आपको सरप्राइजली प्रपोज भी करते हैं। होता हम लड़के पर्सनली यही होते, अगर नहीं करते तो हमारे दिमाग में वो चीज चल रही नहीं रही होती। अब या तो ये वन साइडेड लव हो सकता है, आपका भाई आपके लिए सिर्फ परेशान इस चक्कर में हो रहा है कि अगर आपकी कल के दिन शादी उसके साथ हो जाती है तो आप वहाँ पे खुश रहो ना रहो, फिर उसका तो पूरा इंपैक्ट इनके ऊपर आएगा ना। नहीं, वो करेगा मुझसे शादी, मुझे पूरा यकीन है। कुछ प्रूफ वगैरह दिखा सकते हो, कुछ बुला के उससे बात वगैरह कुछ? हाँ, मैं आप बुला भैया, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। मैंने इसी की जिद के कारण मैंने उसको बुलाया है। हाँ। वो आता ही होगा। अच्छा, उसको बुला रखा आपने? हाँ, मैंने बुला रखा है कि इस ये सारी बातें करने के लिए और वीडियो में रिकॉर्ड कराने के लिए। हाँ, ये रिकॉर्डिंग करवाने के लिए और बातें करने के लिए कि मेरी बहन साथ, मतलब आपको, आप इनको सच्चाई दिखाना चाहते हो कि वो इससे प्यार करेगा या नहीं करेगा। वो और ये आप कितने टाइम से इसको समझा रहे हो कि वो शादी नहीं करेगा? इसको मैं एक साल से समझा रहा हूँ। अच्छा, तो वो मान नहीं रही? मान नहीं रही है। मैंने कहा चलो कोई बात, तेरी इतनी जिद है तो मैं बुला लेता हूँ एक बार। भाई एक सगे भाई को लगता है कि जो उसका दोस्त होता है ना बचपन का, अब वो अगर पहले हमारी तरह इनकी तरह अगर इसी मिडिल क्लास में होता तो वो शादी कर लेता और उसको खुश भी रखता। अब इसको ये लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा रखा है, अब अगर उसकी शादी होती है तो वो मेरी जो बहन है ना वो कहीं से कहीं तक भी खुश नहीं रह सकती। अब ये पर्सनली इसको क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। और ये उनसे इतना प्यार करती है कि कह रही है कि शादी करूँगी उसी के साथ करूँगी, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये कह रहा है कि मैंने अपने दोस्त को बुला रखा है, मुझे भी ये चीज़ अपनी बहन को दिखानी है कि जो मेरा दोस्त है वो तेरे साथ शादी करेगा नहीं करेगा। और लास्ट एक डेढ़ साल से इसको समझा रहा है कि उसको छोड़ दे, किसी और के चक्कर में, मतलब उसके चक्करों में मत पड़, किसी और को ढूंढ, अपनी हैसियत जितना जिसके साथ तू शादी भी करे तो खुश भी रह सके। अब वो लड़का अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर वो लड़का भी बोलता है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, तब आपको कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पक्का अगर वो शादी के लिए मानता है तो वीडियो में हमारे पास रिकॉर्ड होगा। और शादी के लिए अगर आपके पास बजट नहीं बन सकता तो पहले हम उसके साथ बात करेंगे, ठीक है, वो कितना अपने साइड से हमें सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद अगर बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं, हमारी पब्लिक है और बहुत सारी हमारी टीम है जिनसे हम बात करके आप लोगों का बजट बना के और एक अच्छी शादी करेंगे। ये नहीं कि आप कहीं पे भी जाके शादी कर रहे हो, वैसे नहीं, कुछ अच्छे तरीके से दुनिया को आप बुलाना, जो भी आपके रिश्तेदार है सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले वो लड़का यहाँ पर आना ज़रूरी है। कितने बजे आएगा? दो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। फ़ोन किया आ रहा है, बस आता ही आएगा। पक्का यकीन है तेरे को? यकीन है। तो भाई यहाँ पे वो जब लड़का यहाँ पे आएगा ना तो ये है जो है ना आज उनको प्रपोज करने वाली है, मतलब, और शादी करने की अपनी जितनी भी मतलब तमन्ना है बचपन से लेके अभी तक जो इसने संभाल के रखी है वो आज बताएंगी। और ये सारी चीज़ें आप भी देखोगे वीडियो में, ठीक है, तो वीडियो को देखना एंड तक, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। और जो भी चीज़ होगी, कौन सही कौन गलत, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट्स में बताना, बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। हाय, कैसे हो? पायल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। बैठो बैठो ना, आओ बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठो। हाँ बैठो, आओ बैठो। और कैसे याद किया? बस। और पायल अच्छी लग रही हो आप। थैंक यू। अच्छा लग रहा है ना ये मेरे पे? थैंक यू। तुमसे ही बात करनी थी। बैठो। हाँ रोहन, किस लिए बुलाया? अरे मुझे अपनी बहन के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो यार, काफी टाइम बाद मिले हो यार। बहुत टाइम हो गया, साथ छोटे छोटे थे तेरे इतने, जब हम खेलते थे करते थे। आज तुम वाली जॉब इतनी अच्छी हो गई है, अच्छे पैसे कमा रहे हो। क्या करें यार, ये सब ऊपर वाले की देन है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन में एक सवाल है, मैं तुमसे करूँ या ना करूँ? करो यार, कोई बात नहीं, हम तो बचपन के दोस्त हैं। मन में सो सवाल भी है कि ये बात तुमसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करो यार, क्यों नहीं करोगे यार, तुम सब बचपन के दोस्त कर रहा हूँ।
पायल भी कुछ बड़ी हो गई, काफी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। एक ही तो बहन है मेरी, डर भी लग रहा है, बोलू या नहीं बोलू। बोलो यार, बिंदास हो के बोलो यार। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब सब ठीक ठाक है, तुम अपना बताओ। और क्या चल रहा है आजकल? और सब वही है, अपनी खेती बाड़ी चल रही है, छोटा सा गाँव है अपना, वही चल रहा है। और पायल क्या कर रही है? पायल तो अभी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आगे की पढ़ाई कर रही है। बहुत बढ़िया यार। हाँ कर रहा। और कुछ तुमने सोचा आगे के लिए? नहीं सोचा, और सोच रखा है, फिलहाल तो बहन की शादी करनी है। बड़े दिनों से कह रही है, बड़े दिनों से कह रही थी कि वो उसको कि तुमसे। हाँ पायल काफी बड़ी हो गई, करो यार इसकी शादी वादी करो, कोई अच्छा लगता है। भैया मैं खुद बात कर लूंगी। तो तुम खुद ही बात कर लो, ठीक। कैसे हो समीर? बढ़िया पायल। और बस, और बताओ? काफी सुंदर लग रही है यार तुम। थैंक यू सो मच। और सुनाओ? और सब ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ यार करो, इसलिए तो मैं आया यार। घर पे तुम्हारे? हाँ घर पे सब ठीक ठाक है यार। तुम तो मिलने भी नहीं आते यार। यार क्या करूँ तुम्हें पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। ओके। ना फोन पे बात हो पाती है जल्दी। हाँ ये भी है, अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बिजी होते हो गए। ऊपर वाले की देन है यार। और सब ठीक ठाक ना? हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ यार क्यों नहीं, करो करो। हाँ। रोहन तो पता नहीं क्यों शर्मा रहा है इतना बात करने में, यार बचपन का दोस्त है मेरा। और बताओ तुम? हाँ हाँ बोलो। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें? हाँ यार कुछ सरप्राइज है क्या? हाँ एक गुड न्यूज। चलो चलो चलो, आंखें बंद करो अपनी। ठीक है, करने क्या वाली है तुम? हाँ एक गुड न्यूज है, तुम देख सुन के ना बहुत खुश हो जाओगे। ओके चलो आंखें बंद करो अपनी। आंखें नहीं खोलना, बिल्कुल चीटिंग नहीं। ओके 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 ओके। पता नहीं क्या करोगे यार तुम। चलो हाथ दो समीर। ध्यान से सुन रहा? हाँ हाँ यार सुन रहा हूँ मैं। तुम करने क्या वाली हो पहले बताओ तो। कुछ भी मुझे नहीं। कुछ अजीब सा लग रहा है। I love you. अच्छा। मैं तुम सच में बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। ओके। बैठो जरा पायल तुम। हाँ हाँ। क्या हुआ समीर? कुछ नहीं यार, ये तुमने क्या बोला यार, मैं तो मतलब यार ये सोच भी नहीं सकता। चलो जरा मैं रोहन से बात करके आता हूँ जरा। हाँ ठीक है ना, तुम बैठो जरा। क्या बोल रही है ये, क्या बोल रही है पायल है? अपनी औकात भूल गए क्या तुम लोग है? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ रहा था है? अपना दोस्त समझता था, और ये पायल मिलते क्या बोल रही है? तो ये सोच कैसे लिया तुमने? बताओ, मेरे को प्रपोज कर रही है? मैं अपनी औकात भूल जाते हो तुम है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था है? तुम्हारी बहन क्या क्या बोले जा रही है, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मैं समझा तुम्हें कोई परेशानी में, किसी चीज़ की मदद चाहिए तुम्हें, तुमने मेरे को इसलिए याद किया। अपनी बहन को समझा लियो जरा, समझ गई? अपना बोल दे ऐसे में। नहीं नहीं भैया, बात तो करो अभी पहले इससे। भैया उनसे बहुत प्यार करते, देखना हाँ बोलेगा वो। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? चलते हैं। नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप प्लीज पहले बात तो करो उनसे। क्या हो गया? कुछ नहीं पायल। यार जब देखो तो फोन में लगे रहते हो। कुछ नहीं, मेरी बात हो गई उससे। क्या बात हो गई तुम्हारी उससे? हो गई बात।
रोहन। हाँ समीर। इधर आ जरा, देखिए जरा मेरे जूते पे क्या लग रहा है, साफ कर दे रहा है इसको, जरा अंदर से भी कर दे। भैया ये क्या कर रहे हो आप? उठ जाओ। यही दिखाने जा रहा था मैं तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं तुम्हें मैं बचपन का दोस्त समझता था है? और तुमने सोच कैसे लिया यार मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा? तुम्हारी औकात यही है जो तुम्हें दिखानी थी, समझे? क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं भाई, आप कौन? आप अभी जूते साफ करवा रहे थे, अपने जूते ज्यादा खराब हो रहे हैं क्या? बैठो मैं निकालता हूँ, एक बार मैं साफ करता हूँ, बैठो। आप कौन है भाई? बैठो ना, जूते साफ करवाने का ज्यादा शौक है ना आपको, बैठो। दिखाओ कौन सा जूता खराब है, एक बार निकाल के दो, उतारो भाई। आप हाथ से साफ कर रहा था भाई, कपड़े से। कहाँ है कपड़ा दियो? मेरा। निकालो जूता, मैं साफ करता हूँ। भाई आप कौन हो? जूता निकालो, मैं साफ करता हूँ। जूता निकालो, मैं साफ करता हूँ। भाई आप कौन पहले बता। इसका जूता उतार, आजा आजा। अरे मैं उतार रहा हूँ जूता, आ जा। तुम उतार रहा अपने आप भाई, प्यार से उतार रहा। जूता साफ करेंगे आज, मोची बनेंगे। उतारो। अच्छा, ओहो ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है। कितने नंबर का जूता है ये? 7 नंबर। 7 नंबर का? और आपका फेस का साइज कितने इंच का? ज़्यादा पैसा आ गया तुम पे? गरीबों से जूते साफ करवाने की औकात बना रखी तुमने अपनी, बोलो। इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे और मैं इनके ब्याह पे बात कर रहा हूँ। आपको आपका भाई समझा रहा था ना कि आप इसके साथ शादी मत करो, ये आपको नौकरानी बना के अपने घर पे रखेगा, बोल रहा था ना आपका भाई आपको? मतलब इसको बचपन से पता था ना ये कितना बड़ा लीचड़ किस्म का इंसान है, पता होगा ना उसको कि इसके पास जिस दिन पैसा आएगा ये अपनी हरकतें दिखाएगा। अब मिल गया, खुशी मिल गई आपके भाई ने जूता साफ करा, खुशी मिल गई आपको है? मैं बोलो इससे बोल के आपके भाई से जूता चटवाऊं भी लूं है तब आपको खुशी मिलेगी? अभी भी शादी करनी है इसके साथ आपको? क्या करना फिर? हाँ साफ करो भाई। आप क्यों करोगे साफ? क्यों, मैं भी तो ये भाई, तो मैं भी भाई, भाई वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। कैसे साफ करा था मिट्टी? ओहो वाओ गाइस, इन्होंने अभी अपना जूता साफ कराया था, ये जूता मैं दोबारा खराब कर रहा हूँ। पहन लो, नहीं तो वहां पे जाके फेंक के आऊंगा, बिना जूते के जाके पहनना पड़ेगा तुम्हें जूता, समझ आ रही है? कितना पैसा आ गया तुम पे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जा, इधर इधर इधर। इससे पूछ कितना पैसा आ गया तेरे पास? तुम्हें पक्का शादी नहीं करनी है? प्रॉमिस पक्का? कितना पैसा आ गया तेरे पास? मैं समझा, बोल। मैं पागल हो गया ना फिर? मैं अपने हाफे में नहीं रहता, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मेरे को सिर्फ जवाब दे, सिर्फ और सिर्फ मेरे को जवाब दे। मैं मदद करने के लिए आया था, मुझे क्या पता था ये कैसी मदद? मैं समझा इनको किसी पैसे वैसे की जरूरत है, किसी चीज के लिए पैसा ऐसा चाहिए। तेरी शादी हो गई? नहीं हुई तेरी शादी? तू अगर किसी के साथ प्यार करेगा उसको जाके क्या बोलेगा? आई लव यू बोलेगा ना? उसने तेरे को आई लव यू बोला ना? उसने तेरे को ये बोला कि मेरे भाई से अपने जूते साफ करवा? बोला इसने? नहीं। तू मना कर सकता था ना? किसको का दिखाने आया था? किसको का दिखाने आया था? अपना जूता तेरे को पता है कितने का? कितने का जूता तेरा? 1500 का जूता ना ये, देख रहा? 17,000 रुपए का एडिडास का जूता। ये अगर तेरे सर पे लग गया ना, सोच क्या हाल होगा तेरा। ज्यादा रईसियत आ गई है तेरे में? रईसियत ज्यादा आ गई है? नहीं, वो देख तेरी वीडियो बन रही है पूरी। और इसने आज ये कैमरा पता है क्यों लगवाया था?
कि यहाँ पे कैमरा लगाओ, मैं अपने प्यार को प्रपोज करूंगी, उसी के साथ शादी करूंगी, किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। एक नहीं होता एक गुड मोमेंट कैप्चर करवाने के लिए कर रहा था, और तूने क्या हॉल कर दिया इसका। और तू जो कुछ इतना खुश है ना कि तेरे पास पैसा है तो मेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, तेरी औकात दिख रही है पूरी इसमें। जूता पता है कौन साफ करवाते हैं पता है तेरे को? नहीं। एक होते धरती पे घूमने वाले है ना, जिनका जमीर होता है, जिनमें इंसानियत होती है। एक होते लीचड़ लोग, जिनको ये नहीं पता होता कि इंसानियत क्या होती है। आपको पता है इंसानियत क्या होती है? पता है आपको क्या होती है? कोई नहीं, मैं पैसे। इंसानियत वो होती है कि किसी गरीब का मजाक ना उड़ाओ। इंसानियत वो होती है कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाओ। इंसानियत इतनी चीजें होती है ना, घिनवाऊंगा ना यहाँ पे, अंदर अंदर दबता जाएगा। पर मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई तेरे से, मैं करवाऊ गलती, मैं करवाऊ गलती। अपना जूता उतार के दे साफ करवा, वो तू बोलियो मेरे से गलती हो गई। अरे कोई नहीं, से गलती हो गई। किससे गलती हुई है मेरे से? किससे हुई है गलती? गलती किससे हुई है? गलती हुई है तो उसकी गलती का भरपाई भी आप ही करोगे या फिर ये करेगी या फिर वो करेगा? कौन करेगा भरपाई? करो। सॉरी रोहन, मेरे से गलती हो गई थी। सॉरी से सब सही हो जाएगा? तू भी बोल देता कि मेरे को तेरे साथ शादी नहीं करनी, तू गरीब है, तेरे को मैं सिर्फ अपने घर पे काम वाली बना के रख सकता हूँ, ये बोल देता, ये बोलता ना। तूने जूते क्यों साफ करवाए? मैं किसको जवाब दे? किसी के जूते, तूने अपने जूते किसी और से क्यों साफ करवाए? हैं? सॉरी मैं बैग गया था। किस में बैग गया था? पैसे में? कहाँ है तेरा पैसा? साले पैसा उठा के ना तेरे सर पे मार दूंगा, साले ऐसे पैसे को ना आग लगा दूंगा मैं, कि तू किसी अपने जिस जो तेरे से प्यार करती है उसके भाई से अपने जूते साफ करवा रहा है, लीचड़ किस्म का इंसान। सॉरी मांग इनसे। सॉरी रोहन यार, मैं तो गलत समझा था, मैं पैसे में भाग गया था, मैं जरा पैसे में भाग गया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। कोई बात नहीं पायल, आई एम सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई यार, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, मुझे माफ कर देना पायल। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं यार। आप माफ कर रहे हो इनको? हैं? क्यों? इधर आओ। क्यों माफ कर रहे हो आप इनको? क्यों माफ कर रहे हो आप इनको? बस ये चला जाए अब यहाँ से, अब इससे कोई वास्ता नहीं रखना। आप मैं बता देता हूँ, आप इसको क्यों माफ कर रहे हो? अगर आपके पास भी भरपूर पैसा होता ना तो आप इसको कभी माफ नहीं करते, पता है? मानते हैं बात? ये तेरे को सिर्फ इस चक्कर में माफ कर दिए कि इन दोनों के पास उतना पैसा नहीं है जितना तेरे पास पैसा है। और मैं तो ये कहता हूँ, ऊपर वाला जिसको पैसा दे ना साथ घमंड ना दे। ये जूता तेरा उठाने में मैं कोई छोटा नहीं हो गया, मैं तेरे जूते अभी भी साफ कर दूंगा दोनों। मेरे को, मैं इन सारी चीज़ों में, ये इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। घमंड जिंदगी में नहीं चाहिए, जिस दिन घमंड आ गया ना खत्म है दोस्त। और मेरे को लग रहा है तेरे उल्टी गिनती दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। इतने लोग देखे हैं मैंने जिनमें पैसा आने के बाद घमंड आया, यहीं के यहीं दरे रह गए। भाई आपने मेरी आंखें खोल दिया। आंखें नहीं खोली, मैं तेरा भैजा भी खोल दूंगा यूं। मेरे सामने ज्यादा देर खड़ा मत रहो, ठीक है? ये जिस चैनल पे तेरी वीडियो डलेगी ना, अजय डिंगरा या अजय भाई पे, उसकी पुरानी वीडियो जाके देख लियो। जब ये लगते हैं ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। और ये शुक्र मना कि आज मैं अपने मूड में नहीं हूँ। मैं मूड में होता हूँ ना, तेरी इधर वाली आंख तो अभी तक पता है कहाँ चली जाती, जहाँ पे कबाब नहीं बेचते उनमें यूँ हो रहा होता शोरूमे में। अब चुपचाप यहाँ से जा, और आज के बाद इनको ना फ़ोन करियो ना मैसेज, अगर इनसे इधर हो घमंड मत दिखा। इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है तेरे से, समझ आ रही है? तो अपने काम से ही काम रखियो, आज के बाद इनके आसपास भी मत आइयो, समझ आ रही है? और मैं तो कह रहा हूँ किसी ऐसी लड़की के साथ तेरी शादी हो जो तेरे को तेरी औकात दिखाए। कोई बात नहीं ना, चले जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो? नहीं होगी, चला जाए यहाँ से चुपचाप। कर ली शादी? थैंक यू भैया। कर ली शादी? अरे भैया आ गया तेल लेने, शादी कर ली आपने? सॉरी, मेरे को क्यों भैया बोल रहे हो? मैंने कहा था ना, जब आपके भैया ने आपको बोला कि शादी मत करो मत करो मत करो, तब भी आपको समझ नहीं आ रही थी कि अगला बंदा क्यों बोल रहा है।
जब आप अपने सगे भैया के नहीं हो तो फिर मेरे को भैया बोल के मेरे को क्यों पापी कर रहे हो? मेरे को क्यों पापी कर रहे हो? पैसे वाला हमारा कोई सगा नहीं तो है। मैं ऐसी जगहों पे ना जो अपने सगे भाइयों की बातें नहीं मानते नहीं सुनते ना तो मैं उनको अपनी बहन नहीं बनाता। मेरी आदत है, मतलब एक स्टार्टिंग से एक लॉजिक है मेरा, जो अपने सगे की नहीं है ना तो वो मेरी भी कभी क्या ही सुनेगी। मैं उसको बहन बनाऊं उसके बाद में अपनी इसको इसके सामने अपनी बातें रखूं तब वो मेरी बातें ना सुने तो फिर बहन बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं जानता हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने भाई की सुनने लग जाओगे तब आप मुझे भाई बोलना पूरे हक से, और मैं भी अपने पूरे हक से आपको अपनी बहन समझूंगा। लेकिन अभी इसके लिए सॉरी, शुक्रिया, आपकी आंखें खुल गई। मेरे को इससे ज़्यादा आपको कुछ बोलना नहीं है। आपका फ़ोन, आपका कपड़ा आप उठाओ, और आज के बाद कभी भी इतने जलील मत बनो किसी के सामने। खाने के लिए पैसे ना होना कोई बात नहीं, जलील नहीं होना किसी के सामने। मेरे को इसको इतना कुछ बोलना नहीं था। ये मैंने जो तेरी सिचुएशन देखी ना, उस सिचुएशन को देख के मेरे अंदर से गुस्सा निकला। शुक्रिया भाई आपका, लेके जा अपनी बहन को। तो भाई वीडियो को एंड तक देख चुके हो, जो प्यार होना था ना वो प्यार यहीं का यहीं रह गया। चंद पैसे आने के बाद ना अपने आप को फन्ने खान की औलाद ना समझो। मतलब जो और भी वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए भी ये बात है, ठीक है। ऊपर वाला कभी किसी को घमंड ना दे, जिस दिन घमंड आ जाता है ना तो बंदा एक एक दिन पीछे होता जाता है, ठीक है। और इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया, लव यू। और मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।